नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलना खान। बरेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। बहुचर्चित अधिवक्ता संजय सिंह हत्याकांड की जांच क्राइम ब्रांच से हटाने की मांग की। बहुचर्चित अधिवक्ता संजय सिंह हत्याकांड में मृतक की पत्नी रजनी सिंह ने गुरुवार को SSP को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने मामले की जाँच क्राइम ब्रांच से हटाकर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि क्राइम ब्रांच के विवेचक चेतराम वर्मा 24 नवंबर को उनके घर आए और मामले को हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट बताकर समझौते का दबाव बनाने लगे। बता दें कि विशारदगंज के गांव अतरछेड़ी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह 14 सितंबर को बरेली कचहरी से घर लौट रहे थे, तभी इफको क्रॉसिंग के पास जीप से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पत्नी रजनी ने अपने देवर व सपा नेता मुदित प्रताप सिंह, उसके दोस्त मयंक अवस्थी, गाँव के राजवीर सिंह उर्फ गुड्डू और उसके लड़के राहुल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुदित बदायूं में सरेंडर करके जेल जा चुका है। राजवीर और राहुल को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूर्व में इस मामले की जांच विशारदगंज पुलिस कर रही थी, मगर SSP ने इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। सपा नेता पर छेड़छाड़ व दबंगई का आरोप। पीड़ित दलित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर। थाना क्षेत्र फरीदपुर निवासी एक युवती ने गुरुवार को SSP से सपा नेता और क्षेत्रीय पुलिस की शिकायत की। युवती का आरोप है कि उसने समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और उनके भाई के खिलाफ 29 अक्टूबर को छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कराया था। मामले की विवेचना कर रहे क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा सपा नेता से साठगांठ करके मामले में समझौते का दबाव बनाने के लिए 13 नवंबर को पीड़िता के पिता और भाई पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद से आरोपी घर आकर मामले में समझौता करने को धमका रहे हैं। युवती ने SSP से कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उसका परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। अखबार की गाड़ी को हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चालक की मौत। थाना भित्री चैनपुर के गाँव रजू परसपुर निवासी 35 वर्षीय योगेश एक अखबार की गाड़ी चलाते थे। वो बुधवार देर रात अखबार लेकर जा रहे थे, तभी हाईवे पर अज्ञात वाहन ने गाड़ी में टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही योगेश की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर योगेश की पत्नी मिथिलेश का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन के विवाद में युवक को गोली मारने का आरोप। थाना बहेड़ी के गाँव गौटिया निवासी धनवीर गंगवार का आरोप है कि उनका पड़ोसी मोहम्मद निजामुद्दीन और खलीलुद्दीन से जमीन को लेकर विवाद हो गया था। बुधवार देर शाम दोनों घर में घुस आए और जान से मारने की नियत से गोली मार दी। इससे धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने निजामुद्दीन समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की शादी की सालगिरह पर काटा केक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की शादी की सालगिरह पर जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना और महानगर उपाध्यक्ष हैदर अली ने केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि 2022 में यूपी की बागडोर अखिलेश यादव को सौंप कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए युवा, किसान, जवान, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग सभी साथ आ रहे हैं। इस मौके पर राशिद खान, सैयद फैज उस्मानी, हकीम एहतशाम घोषी, शफातुल्ला, जुबैर खान आदि मौजूद रहे। और फिलहाल बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली की अन्य खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।